वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज प्योर हैशटैग वर्सटाइल और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मोहिनी। और आज है देव उठान एकादशी और ये बहुत इसका महत्व होता है इस एकादशी का। तो इसमें जो होता है तुलसा जी का विवाह होता है शालिग्राम भगवान से। तो यहाँ सोसाइटी में भी हो रहा है तुलसा विवाह शालिग्राम भगवान से बहुत अच्छे तरीके से। तो जस्ट मैं भी आई हूँ, आप देख सकते हैं मैंने टीका लगा रखा है, जस्ट मैं भी आई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर ली जाए वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी कहीं अच्छी लगे तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब किसी पर भी आप शेयर कर सकते हैं, उसका कोई भी पैसा नहीं लगता है, लाइक करने का कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर आप उसे लाइक कर दीजिएगा। और मुझे यहाँ पे प्रसाद के तौर पे एक बहुत अच्छी वाली चीज़ मिली है, तो वो क्या मिली है उसको देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि वो मैं दिखाने वाली हूँ बिल्कुल एंड में। सो ज़्यादा बात ना करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे तुलसा माता को एक दुल्हन की तरह तैयार किया जा रहा है और इस तैयारी में मैंने भी थोड़ा सा अपना योगदान कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि मुझे भी इस चीज़ का अवसर मिला। और यहाँ पे मैंने तुलसा माता को तैयार किया, यहाँ पे पंडित जी वगैरह सब तैयारियाँ कर रहे हैं। पहले जो टाइमिंग्स थे वो थोड़े अलग थे लेकिन फिर बाद में मैसेज दोबारा आया था तो टाइमिंग्स चेंज हो गए थे, तो मैं यहाँ पर पहुँच गई थी जल्दी। और यहाँ पे मैंने फिर पंडित जी के साथ और जितने भी लोग थे उनके साथ मिलकर तैयारियाँ करवाई, थोड़ी सी मदद करी। और यहाँ पे मैं जो साड़ी लेके गई थी तुलसा माता के लिए उसका बना रही हूँ लहंगा, और उनको लहंगे की तरह पूरा प्लीट्स करके अच्छे से कवर करेंगे ताकि वो बहुत सुंदर लगे। भाई दुल्हन का सुंदर लगना आज के दिन मायने रखता है क्योंकि सबकी नज़र सिर्फ और सिर्फ दुल्हन पर होती है। तो यहाँ पर दुल्हन को कर रहे हैं हम सब मिलकर रेडी, और कुछ आंटी थी जो यहाँ पे मेरे को हेल्प कर रही थी। यहाँ पे हमने उनको चुन्नी वगैरह अच्छे से कवर करके सारा जो सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, लिपस्टिक, रबर बैंड, जो भी मेकअप का सामान होता है एक दुल्हन के लिए, एक लड़की के लिए, वो सारी चीज़ें उनको हमने पहनाई हैं, करी हैं। और जो लोग बाद में भी आए थे उन्होंने भी अपना सारा सामान वहाँ पर रखते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने शालिग्राम भगवान और हमारे जो लड्डू गोपाल हैं उनको उनके पास ही तुलसा माता को बिठा दिया था और साथ में लगा दी थी एक चौकी ताकि जो हमारे दामाद जी हैं यानी हमारे जो आज जो हमारे दूल्हे हैं वो अच्छे से यहाँ पे विराजमान हो जाएं, जो हमारा यहाँ पे अभी पूजन होगा वो अच्छे से हो पाए। तो हमने तुलसा माता को नीचे रख दिया था और साथ में ही उनका पूरा ड्रेस वगैरह अच्छे से कर दिया था, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और उनका लहंगा वगैरह मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और ये मौका मुझे मिला तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद यहाँ पे शुरू हो गई थी तैयारी लड़के को लाने की, यानी कि दूल्हे राजा की एंट्री होनी अभी बाकी है। तो यहाँ पे दुल्हन हमारी आ चुकी है और कुछ इस तरीके से हमने यहाँ सजावट की थी। और जब तक हो रहा था यहाँ पे कीर्तन, यानी कि थोड़ा सा हमने भगवान का नाम लिया यहाँ पे करी, हमने थोड़ा सा गीत संगीत समझ लीजिए, पूजा समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए इसको, और अपना मनोरंजन किया, भगवान का मनोरंजन किया। लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे थे कि
सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा मेंटेन करें, और जो भी हमने फेस मास्क वगैरह सब लोगों ने लगा रखे थे वो अच्छे से कवर अप हो, बस इतना सा ही थोड़ा सा था। बाकी काफ़ी हद तक नहीं भी हो पा रही थी चीज़ें, लेकिन ट्राई कर रहे थे सभी थोड़ा सा मेंटेन करने की। तो यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा हो रहे हैं तैयार, आप देख ही सकते हैं। उनको पहले स्नान कराया शुद्ध पानी से, गंगा जल से, दूध दही शहद और जो घी होता है वो, बूरा चीनी, मतलब चरणामृत में जो सारी चीज़ें पड़ती हैं वही, उन्हीं चीज़ों से हमने स्नान कराया अपने दूल्हे राजा को। और उसके बाद जो फेशियल होके जो रंग निकल के आया है हमारे दूल्हे राजा का, वो तो आप देख ही सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे थे। तो यहाँ पे उनकी हो रही है पूरे अच्छे से तैयारियाँ, और उसके बाद हमने यहाँ पे उनको पहना दिए वस्त्र। जैसे ही तैयार होके हमारे दूल्हे राजा निकले, वाकई इतने खूबसूरत लग रहे थे। अब यहाँ पे हो रहा है इनका टीका। तो टीका होने के बाद तो मतलब सोने पे जो सुहागा होता है ना, कुछ इस तरीके से हो गया था, और इतने सुंदर लग रहे थे हमारे लड्डू गोपाल की पूछो ही मत, कितने सुंदर। आप खुद ही देख सकते हैं कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, मतलब किसी की नज़र ना लगे ऐसे लग रहे हैं। और क्या भाई, लड़का सब उसकी आया तो चाहिए ना। हो गया, और कैसे चाहोगे, इससे बड़ा निशा और नहीं है, इससे बड़ा निशा और क्या है, तुम्हारा आप भगत करें, इससे बड़े निशा और। आप उठा लो या भाभी आप उठा लो, माता रानी को उठा लो उधर से, है ना, आराम से उठाना, देखो वैसे रख देना, इससे थोड़ा सा रुकिए बेटा, स्टूल है, आराम से, बस 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 ऐसे ऐसे, इतनी। तो यहाँ होने जा रहा है अब जयमाला, लड्डू गोपाल के पास, यहाँ पे लड़की वालों के पक्ष से एक बार माला डाली जाएगी, और फिर लड़के वालों के पक्ष से माला डाली जाएगी, और यहाँ पे बहुत हंसी मजाक हो रहा था, बहुत अच्छा। तालियों की आवाज आनी चाहिए बहुत जोरों से, तालियां बजा दो सब, ये बिहारी लाल की जय। दूल्हा बने साल के राम, दुल्हन तुम सा बनी। अम्मा जी हम मेरे से लंबी खाना आ रहा
राजनगर एक्सटेंशन गौर कैस्केड अपना अपना घर का एड्रेस बोल लो, फ्लैट नंबर बोल दीजिए, नेवा दादाम बाशे राधा कृष्ण मंदिर जा रहते हैं मांगड़े प्रात मत्सराणा मध्यस्थवार हकलपे कलयुगे कल्पना माले भारत भरते भद्रंडे आर्य वर्तैक देश आंध्र पुस्तक क्षेत्र अंतर्गत अत्यह सभी का नाम ले लीजिएगा, सपरिवार धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थम कन्यादान निमित्त श्री भगवते शालिग्राम देवताः कृपाः प्रसन्नता संसिद्धये तस्य तस्य आशीर्वाद प्राप्ति कामः अस्य तुलसी शालिग्राम विवाह सांगता फल सिद्धये तस्य तस्य अस्य कन्यादान तत्संकल्पम् अहं करिष्ये अब एक को बैठाऊंगा एक को नहीं बैठाऊंगा तो कैसे नहीं होगा, एक को बैठाऊंगा एक को नहीं बैठाऊंगा तो वहां चलेगी तो यहाँ पे दिया जा रहा है संकल्प, यानी कि जब हम पूजा पाठ करते हैं उस टाइप हमें संकल्प दिया जाता है, हाथ में कुछ पानी थोड़ा सा फूल और कुछ आपकी जो भी इच्छा उसमें आप अपनी तरफ से पैसे रख के संकल्प लेते हैं पूजा करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से पूजा करी और सबने प्रसाद चढ़ाया, जो जो अपने अपने घर से जो चीज़ें लेके आया तो वो यहाँ पर चढ़ाई गई, बहुत से वस्त्र बहुत सी साड़ियाँ बहुत सारे कपड़े मिठाइयाँ सब कुछ यहाँ पे था। और अब जो लगाई जा रही है तुलसा माता और कान्हा जी को हल्दी, और ये हल्दी हम सब छू रहे हैं क्योंकि हर किसी को हल्दी लगाना वहाँ जाके थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम सभी मिलके यहाँ पे हल्दी को छू रहे हैं और पंडित जी हमारी तरफ से उनको चढ़ा रहे हैं हल्दी। और यहाँ पे हो रहा है अब हवन, हवन के बाद फेरे पड़ने के बाद यहाँ पे हो गई है पूजा संपन्न। तो बड़ा ही मज़ा आया, अलग ही आनंद आया। और प्रसाद में देखो हमें क्या मिला, यहाँ पे प्रसाद में श्यामा तुलसी हमें मिली और मिले कुछ फल। जैसा कि मैंने आपको बताया था मुझे मिली है यहाँ पे श्यामा तुलसी, एकादशी के दिन यानी कि तुलसा विवाह के दिन ही मेरे घर में आई है श्यामा तुलसी। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मेरे पास रामा तुलसा तो थी लेकिन श्यामा तुलसा नहीं थी, तो भगवान ने आज मेरी सुन ली और आज वो मेरे घर आई, सच में बहुत बहुत दिल खुश हो गया। तो बस इतना सा था मेरा ब्लॉग, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर ज़रूर करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी।